वेलकम एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक जग में पानी है। अब ये पानी नहीं है, हॉट वाटर है। आप देखोगे कि इसमें से भाप निकल रहा है, ठीक है। ये गर्म पानी वाला जग है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि इस होटल में पानी और इसके ऊपर मैंने क्या लिखा दिया है, बैलून। थर्मल स्टेट में गुब्बारा अपना पड़ा हुआ है। यहाँ पे हम थोड़ा सा जो थर्मोडायनेमिक्स होता है उसका एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो करेंगे आप देखेंगे इस गुब्बारे को फटाफट मैं क्या कर दूंगा, खड़ा कर दूंगा। अब कैसे खड़ा होगा वो देखते हैं। क्या करेंगे, इस बोतल को हम डालेंगे इस पानी में, ठीक है। इस पानी में हमने डाल दिया। अब आप देख रहे हैं ना क्या हुआ, गुब्बारा टाइट हो गया। क्यों, देखिए इसके अंदर अच्छा खासा क्या हो गया है, गैस भर गई है। आप देख रहे हैं ना एकदम फूल गया है। क्यों फूल गया है, हो सकता है आप देख ना पा रहे हो। इसको मैं थोड़ा सा पास में कर दूंगा आपके। आप देख रहे हैं ना पानी बहुत गर्म है, मुझे थोड़ा सा बचा के करना पड़ेगा वरना हाथ जल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या हुआ, आराम से गुब्बारा आपका फूल गया है। थोड़ा सा और दूर कर दूं ताकि और पूरा आपको दिख जाए। देखिए अभी गुब्बारा भी गर्म होने लगा। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है? अगर रीजन की बात करें तो इसका रीजन क्या है, अब होता क्या है कि कभी कभी कुछ कार्य जो होते हैं, कुछ काम जो होते हैं ना, वो सराउंडिंग के आधार पर होने लगते हैं। सराउंडिंग की वजह से भी कुछ कार्य होते हैं। तो यहाँ पे सराउंडिंग क्या है, हॉट वाटर, ठीक। हॉट वाटर सराउंडिंग है। बोतल क्या है, खाली है, उसके ऊपर ये वर्क डन है हमारा। ये क्या है, ये वर्क डन है, ठीक है। तो अंदर हमारा नॉर्मल वाटर था, थोड़ा सा गर्म वाटर के साथ एटमोस्फेयर में, उसके सराउंडिंग में गर्म पानी था, जिसके कारण से क्या हो गया, अंदर भाप बनने लगी, गैस बनने लगी, और वो गैस क्या हुई, फटाक से इस गुब्बारे में भर गया और वर्क डन हमारा कंप्लीट हो गया। तो सराउंडिंग की वजह से ये वर्क डन हो रहा है। अभी इसको